दुनिया न्यूज लंदन स्टूडियो से मैं हमजर जावेद और आज दुनिया न्यूज लीगल फोरम में हमारे साथ होंगे लॉ एंड सॉलिसिटर से सलमान शाह साहब। सलमान साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं। सलमान शाह साहब, बरतानिया में एक बड़ी और तब्दीली आई है कवानीन में कि पोस्ट स्टडी वर्क वीजा जो है वो 2 साल का शुरू हो गया है 1 जुलाई से। पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कैसा कितना सिग्निफिकेंट इसको आप देखते हैं कि ये पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा को और जो स्टूडेंट वीज़ा आ रहे हैं लोग यहाँ पे? देखें, ये जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा पहले था, फिर बंद हो गया, इसको फिर अब नया नाम ग्रेजुएट स्कीम दे दिया। ये स्कीम खाली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके के अंदर पढ़ रहे हैं, ये यूके के अंदर से ही कर सकते हैं, बैक होम से ये अप्लाई नहीं होती। पहले तो एक चीज़ हम ये क्लियर कर दें, वो लोग अपनी डिग्री यहाँ समर में अप्रैल में कंप्लीट करते तो उनको पोस्ट स्टडी मिलता, या जो लोग जनवरी और फरवरी के सेशन में आए तो वो सितंबर में अगर अपनी डिग्री को कंप्लीट कर रहे थे, चाहे वो अंडर ग्रेजुएट थे या ग्रेजुएट स्कीम में थे, उनको मिलना था। कंसेशन होम ऑफिस ने कोविड की वजह से एक ये दिया कि जो लोग, क्योंकि कोविड की वजह से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है इस वक्त, पाकिस्तान भी रेड लिस्ट में है या और कंट्रीज़ भी हैं, तो जो लोग ऑटम 2020 में जिन्होंने आना था उनकी डेट अप्रैल से बढ़ा के 21 जून उन्होंने कर दिया। मे बी ये थोड़ा सा और डिले हो क्योंकि स्टिल रेड लिस्ट में कंट्रीज हैं तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है, और जो लोग जनवरी फरवरी में जिन्होंने आना था उनकी जो थी उन्होंने सितंबर डेट कर दी है। और इसमें सबसे फ़ायदा ये है कि जब आप अपनी डिग्री यहाँ कंप्लीट करते हैं तो उसमें जो लोग ग्रेजुएट उसमें होंगे तो उनको 2 साल का यहाँ पे ये पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल जाएगा, और जो लोग पीएचडी करते हैं उनको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। और इस जो होम ऑफिस की ये जो ग्रेजुएट स्कीम है, सबसे बड़ा फ़ायदा जो इसके अंदर वो है कि आपको ना तो आप कहीं बाउंड हैं, जिस तरह आप रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप एम्प्लॉयर से आपको स्पॉन्सर लाइसेंस लेना है, ना तो इसमें आपको स्पॉन्सर लाइसेंस की ज़रूरत है, ना आप मतलब आपकी फ्लैक्सीबल है, आप कहीं भी जॉब कर सकते हैं। और ये होम ऑफिस चाहता है कि आप फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लें अपने एम्प्लॉयमेंट में जो आपने डिग्री की, और कल को जब आपके 2 साल या 3 साल पूरे होते हैं तो आपको जॉब अपॉर्चुनिटी है, या स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो स्टार्ट वो भी हुआ है उसमें आप स्विच कन्वर्ट किया जा सकता है, मजीद एक्सटेंशन के चांसेस हैं टूवर्ड सेटलमेंट। ये क्योंकि ये वीज़ा जो है पोस्ट स्टडी वर्क, ये सेटलमेंट रूट में नहीं काउंट होता, क्योंकि जब आप उसमें चले जाएंगे स्किल्ड वर्कर में तो 5 ईयर कंप्लीट करते हैं तो आप सेटलमेंट रूट में जाते हैं। फीस वाइज भी इसकी जो फीस है वो £700 है, और जो IHS बदकिस्मती से वो हमें पे करना पड़ रहा है, जिसको £624 ईच ईयर का आपको देना। नाज़रीन, जो पाकिस्तान में लोग बैठे हैं और देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम, उनको ये एक इंफॉर्मेशन देते चलें कि जो स्टडी वीज़ा है उसके बाद अगर आप जब यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं तो 1 जुलाई से रूट शुरू हुआ है ग्रेजुएट स्कीम का, कि आपको डिग्री के बाद यहाँ पे 2 साल का वीज़ा मिलेगा, और अगर आप पीएचडी की है तो 3 साल का मिलेगा, आपको वर्क राइट होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। पाकिस्तान से जो लोग हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, ख़ासतौर पर जो प्रोफेशनल्स हैं, जो प्रोग्राम जो स्टडीज़ का, हायर स्टडीज़ का बना रहे हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि वो किस तरह इसको मैनेज कर सकते हैं? सबसे मेन चीज़ अदर साहब, इसमें मैं जितने भी स्टूडेंट बैक होम से आना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी का जो लेवल है उसको देखें कि यूनिवर्सिटी जो है अपना, उसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस है, जो हाईली स्किल्ड सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं उस पे आएँ, जो नॉर्मली कॉलेजेस या वो हैं उसके ऊपर पीएचडी या ये चीज़ नहीं हो सकती। तो यूनिवर्सिटी का चुनाव सही करें और वो देखें कि यूनिवर्सिटी जो है वो स्पॉन्सर लाइसेंस है, उस पे वहाँ से अपनी, अब जो नया सेशन स्टार्ट हो रहा है सितंबर का फिर जनवरी के लिए, उसके लिए वो वहाँ से अपने लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। और सबसे एक अच्छी चीज़ है कि अपनी अगर वो डिग्री कम्प्लीट करते हैं तो उनको कहीं इधर उधर होने की ज़रूरत नहीं है, उनको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस यूके में वर्क का लेने के लिए 2 साल और पीएचडी वालों को 3 साल का वीज़ा मिल सकता है। बहुत शुक्रिया सलमान शाह साहब ने बड़े तफसील के साथ बताया दोनों मामलों पर, और ख़ासतौर पर जो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा या ग्रेजुएट स्कीम है वो शुरू हुई है, तो एक अच्छा मौका है पाकिस्तान से जो पढ़े लिखे लोग हैं वो यहाँ आए स्टडी करें, और उसके बाद 2 साल का या 3 साल का जो वीज़ा मिलता है पीएचडी पे 3 साल, तो उसके बाद यहाँ पे सेटलमेंट के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आज तक के लिए इतना, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।